लाइव खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। कानपुर देहात के दर्शन सिंह महाविद्यालय कंचौसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और अकबरपुर रनिया सांसद देवेंद्र सिंह भोले की दिवंगत माता कनक देवी और पिता दर्शन सिंह की पुण्यतिथि पर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे, जहां सांसद के माता पिता की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही डिग्री कॉलेज परिसर में मौलश्री पौधे लगाए गए। इसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में दीप प्रज्वलन किया और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने कहा कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, माता पिता हम सबके लिए एक छतरी हैं जो हम सबको संरक्षण देते हैं। यही नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कामों को याद करते हुए कहा कि हम सभी उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 370 को 70 मिनट में अमित शाह ने हटाते हुए हमारे देश का कानून लागू किया है। यही नहीं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर जहां लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, लोग इस व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के बच्चों और वृद्धजनों को सम्मानित किया। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि राम मंदिर एजेंडे में है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले या सर्वसम्मति पर काम होगा। हमारी माननीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कॉर्पोरेट टैक्सेस में जो छूट दी गई है, उसका सीधा प्रभाव चाइना में जो अमेरिका के तनाव के कारण कंपनियां भाग रही हैं चाइना से, वो एशिया में आएंगी, ये सीधा प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा प्रभाव ये पड़ने वाला है कि जिस प्रकार से बैंकों को 176,000 करोड़ रुपया बैंकों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, मजबूत आर्थिक स्थिति वाले बैंक जो लोन नीचे के उद्योगपतियों को देंगे, उद्यमियों को देंगे, उनके द्वारा उपभोक्ता की मांग को क्रिएट किया जाएगा। तो यदि कानपुर देहात से हमारे संवाददाता रमाकांत गुप्ता की रिपोर्ट, और इसी के साथ देश दुनिया और सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लाइव खबर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।